Hello students, ready for SST class? Now turn is chapter 2 and our chapter name is Language of Globes and Maps. In means hum is chapter mein kya padhenge? Globes ke bare mein padhenge aur maps ke bare mein padhenge. So let's start. What is globe? Globe kya hota hai? A globe is a picture of a planet drawn on a sphere. एक जो ग्लोब होता है वो एक पिक्चर होती है किसकी, एक ग्रह की, जो कि एक गोले के उसमें ड्रॉ की जाती है. मतलब एक गोले के ऊपर एक प्लैनेट की जो पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसको हम ग्लोब बोलते हैं. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग द राउंड मास और स्फीयर. जो ग्लोब जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड ग्लोबस से आया है और इसका मीनिंग है राउंड मास और स्फीयर, एक गोला या एक द्रव्यमान, गोल द्रव्यमान. Most globes are maps of the earth. बहुत से जो globes होते हैं वो earth का map होते हैं, earth का मानचित्र होते हैं. The common types are political and physical. जो main होते हैं, जो common होते हैं वो political globe और physical. दो globe दो तरह के होते हैं, एक political globe और एक physical globe. Political globe show country. जो political globe होता है वो क्या दिखाता है, वो हमें countries show करता है, इन शहरों के नाम हमें शो करता है. फिजिकल ग्लोब्स शो लैंडस्केप लाइक माउंटेन एंड रिवर्स. जो फिजिकल ग्लोब्स होता है उसमें हम वो हमें क्या शो करता है, लैंडस्केप मीन्स लाइक माउंटेन, पहाड़ और नदियाँ वो हमें शो करता है. दे आल्सो शो मेजर डिटेल्स ऑफ द अर्थ. वो हमारे अर्थ की मेजर डिटेल्स भी शो करता है लाइक द एक्वेटर, मेरिडियंस एंड पैरेलल्स. जो भूमध्य रेखा और समांतर रेखा होती हैं वो भी हमें ग्लोब के अंदर दिखाई देती हैं. यू शैल लर्न अबाउट देम इन नेक्स्ट क्लासेस. अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आप इन सब के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अ ग्लोब हैज़ टू शॉर्टकमिंग. एक ग्लोब की जो दो कमियाँ होती हैं इसके अंदर, इट कैन नॉट बी कैरीड अवे ईजली. ये बहुत ईजली ईजी नहीं होता है, ठीक है. एंड इट फेल्स टू शो डिटेल्स अबाउट प्लेसेस. और ये स्थानों का पूरा विवरण नहीं दिखाता है, है ना. ये बहुत दूर की चीज़ें नहीं दिखाता है. एक तो जो बहुत दूर होती हैं उनको नहीं, बहुत ईजिली नहीं शो करता है. और बहुत जो जो स्थानों का ये विवरण हमें देता है उनको बहुत मतलब शो नहीं करता है जो ज़्यादा दूर होते हैं. द आंसर टू दिस शॉर्ट कमिंग लाइज इन मैप. जो हमारे जो ये जो हमें ग्लोब में नहीं दिखाई देती हैं बहुत दूर की चीज़ें, जो बहुत मतलब छोटी और दूर की चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं ग्लोब में, उसको हम कहाँ देख सकते हैं, लाइज इन ना मैप्स. उनको हम मैप्स में देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 14. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. नेक्स्ट है हमारा मैप्स. मैप माने होता है मानचित्र. जो आपने देखा है ना क्लासेस वगैरह में, स्कूल्स में टंगे हुए होते हैं वॉल पर, उन्हें हम मैप बोलते हैं. मैप आर कॉमन ऑब्जेक्ट्स. जो मैप होते हैं वो एक कॉमन चीज़ होती हैं. समटाइम्स वी यूज़ देम व्हेन वी ट्रेवल. जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कुछ समय हम उस समय उसका यूज़ करते हैं कि वो जहाँ हमें जाना होता है मैप में देखते हैं कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, कहाँ से जाना है ना. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन. जो मैप है वो हमें ये सब चीज़ें दिखाता है, यूजअली ऑन अ फ्लैट सरफेस. और ये एक समतल सरफेस पर होता है. Of a whole of part on area. We can represent on a map from our place to the whole earth or a part thereof. हम अपने जो हमारा मैप होता है उसमें हम क्या देख सकते हैं, एक गांव से लेकर एक पूरी पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा हिस्सा उसका कहाँ है, वो हम उसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मैप्स. मैप के प्रकार, मैप कितने तरह के होते हैं. द मेन काइंड्स ऑफ मैप्स आर. जो मुख्य जो प्रकार हैं मैप के वो कौन कौन से होते हैं. नंबर वन है पॉलिटिकल मैप, मीन्स राजनीतिक मानचित्र, जिसमें हम ये हमें क्या दिखाता है, दीज मैप्स शो स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज. ये हमें स्टेट दिखाता है हमारे, है ना, कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पर हैं, और नेशनल बाउंड्रीज हमारी राष्ट्रीय सीमाएं दिखाता है कि कौन कौन सी राष्ट्रीय सीमाएं हैं. दे आल्सो शो कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़. और ये हमें क्या दिखाता है, कैपिटल्स जो हमारे देश की राजधानियां कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, और मेजर सिटीज़ जो कुछ प्रमुख शहर भी हमें शो करता है. कौन सा मैप, पॉलिटिकल मैप्स. सेकेंड इज फिजिकल मैप. यह भौतिक मानचित्र है. फिजिकल मैप
illustrate physical features of an area such as the mountain, river and lakes. जो physical map होता है, भौतिक मानचित्र जो होता है, वह हमें क्या दिखाता है? ये physical features, भौतिक विशेषताएं किसी area की भौतिक विशेषताएं दिखाता है. Such as the mountain, rivers and lakes. जैसे कि mountain means पहाड़, नदियां और lake means झीलें. ये हमें किस में शो होती हैं? भौतिक मानचित्र में. The water is usually show in blue. और जो water होता है, पानी होता है, वो किस कैसा दिखाई देता है? मतलब जो पानी शो होता है, वो ब्लू कलर में शो किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट मैप, मीन्स जलवायु मानचित्र, जिससे हमें जलवायु का पता चलता है. दीज मैप्स गिव जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट एंड प्रीसिपिटेशन. जो हमारी जो ये क्लाइमेट मैप है, ये जो दीज मैप्स गिवन जनरल, ये हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देता है हमारे जलवायु के बारे में कि कहाँ पर कैसी जलवायु है. रेन एंड स्नो, बारिश और बर्फ़ के बारे में बताता है. ऑफ अ रीजन डिफरेंट कलर आर यूज टू शो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स. जो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो जलवायु होती है, उसको ये हमें क्या करता है? अलग अलग कलर से हमें इसमें शो करता है, मीन्स हमें ढूंढने में इजी होता है. अलग अलग कलर का यूज़ करके ये सब चीज़ें दर्शाई जाती हैं. नेक्स्ट है रोड मैप्स. रोड मैप्स शो मेजर एंड सम माइनर हाईवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक्स, सिटीज़ एंड अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन एन एरिया. जो रोड मैप्स होते हैं, उसमें हमें क्या दिखाई देते हैं? प्रमुख छोटे छोटे जो मेन जो हाईवेज होते हैं, राज मतलब हाईवे जो होते हैं, वो दिखाई देते हैं. रोड, सड़कें, एयरपोर्ट जो होते हैं, रेलवे लाइंस जो रेलवे ट्रैक होते हैं, और सिटीज़ एंड अदर और कुछ अन्य जो रोचक जो जगह होती हैं, वो हमें इस रोड मैप में दिखाई देती हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 15, इस पर है हमारा स्केच मैप. अ स्केच मैप इज़ अ मैप विद ओनली अ फ्यू डिटेल्स एंड इज़ यूजुअली ड्रॉन बाई हैंड. जो एक स्केच मैप होता है, वो कुछ ही डिटेल्स उसमें शो की जाती हैं. इसमें खास बात ये होती है कि बाई हैंड ड्रॉ किया जाता है, ये हैंड से ड्रॉ किया जाता है. इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. इट मे नॉट बी एग्जैक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं होता है, मीन्स ये बहुत ही सटीक नहीं होता है. बट शोज द मेन फीचर्स ऑफ एन एरिया. ये जो कॉलोनी होती हैं, कॉलोनी के कुछ मेन फीचर्स और कुछ एरिया को शो करता है. कॉलोनी मैप्स आर एग्जांपल ऑफ स्केच मैप. एक कॉलोनी का जो मैप होता है, वो स्केच मैप का एक एग्जांपल होता है. अ स्केच मैप यूजुअली हाइलाइट्स अ लैंडमार्क विच हेल्प्स द रीडर टू नो द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द प्लेसेस शोन इन इट. जो एक स्केच मैप होता है, वो हाइलाइट्स करता है, लैंडमार्क्स को हाइलाइट करता है. Who helps the reader? वो एक हमें पढ़ने में हेल्प करता है. क्या क्या पढ़ने में हेल्प करता है? नो द रिलेटिव लोकेशन. जब उसकी उस कॉलोनी के अंदर हमारे रिलेटिव जो रहते हैं, उनकी लोकेशन को पढ़ने में हमारी हेल्प करता है और उनके प्लेस को शो करता है. तो बच्चों, आई होप आपको ये ग्लोब्स और मैप समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैप रीडिंग, डायरेक्शन ऑन मैप्स पढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू.